ना कोरोना का डर, ना सरकार का भय और ना ही बुजुर्गों की चिंता। लोगों की जान से सरेआम खिलवाड़ इंदौर में बुजुर्गों के साथ हुई नगर निगम की घटना के बाद बुजुर्गों से जुड़ा यह दूसरा मामला स्वास्थ्य विभाग में आया है जो शर्मसार कर रहा है। जी हाँ, देपालपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां आंखों की जांच करवाने आए बुजुर्गों की मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए व सरकार की निगाहों में अस्पताल की वाहवाही के लिए चौथराम नेत्रालय की बस में ठूस ठूस कर जानवरों की तरह भरा गया है। पहले भी इंदौर के एक नेत्र अस्पताल में आग फोड़वा कांड हुआ था, जिसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। वहीं आज चोइथराम नेत्रालय की बस में भी प्रशासन और अस्पताल के प्रबंधक कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां पर देपालपुर में आंखों की जांच के लिए आए मरीजों को जांच के बाद मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चोइथराम अस्पताल की बस से भेजा जा रहा था, जिसमें नेत्र मरीजों को ठूस ठूस कर भरा गया। वहीं अब जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच करवा कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अस्पताल की बजाय सीएमएचओ ऑफिस इंदौर मीटिंग में व्यस्त थे, और वहीं मंगलवार को आंखों की जांच बच्चों को इंजेक्शन और गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के साथ साथ टीटी नसबंदी भी होती है। इसके बावजूद भी यहां मंगलवार को अधिकारी का नहीं होना अस्पताल के पोल खोल रहा है। घटना मंगलवार की है, जहां देपालपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से आए नेत्र मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देपालपुर से आंखों की जांच के लिए चोइथराम नेत्रालय की बस में बैठाया गया, जिसमें हृदय विदारक घटना देखने को मिली। जहां बुजुर्ग जांच के लिए आए थे, वहीं उन बुजुर्गों को जानवरों की तरह चोइथराम नेत्रालय की बस में ठूस ठूस कर भरा गया। वह करीब 40 किलोमीटर से लंबा रास्ता तय करना था, वहां तो मीडिया कर्मियों की निगाह पहुंच गई और बुजुर्गों को फिर नीचे उतारा गया। जहां एक और कोविड को लेकर प्रशासन सख्त है, वहीं सरकारी अस्पताल की इस कार्य प्रणाली की लापरवाही सरेआम मानवता को शर्मसार करती दिखाई दे रही है। वही जब भीड़ देख मीडिया पहुंची और बस के अंदर बैठे नेत्र मरीज लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि हमें जांच के लिए ले जाया जा रहा है। वहीं उसी दौरान बस कंडक्टर और ड्राइवर की माने तो लोग खुद अपनी मर्जी से इतनी संख्या में चढ़कर बैठ गए। वहीं जब मीडिया ने कैमरा शुरू किया तो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार डॉक्टर इधर उधर हो गए। वहीं अब अधिकारियों का कहना है कि जांच कराएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये लोग इतनी सारी भीड़ क्यों गई है? सब जा रहा है बेचारा। तो एक ही बस में इतने भरा गए? कहाँ से आए आप? आप कहाँ से आए? आप आँख का ऑपरेशन के लिए, चेकअप के लिए। तो इतनी सारी भीड़ भर रही थी गाड़ी में? गाड़ी में इतनी भीड़ भर दी? कहाँ से आए आप? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।